नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन जैन, अविनाश जैन जी है। अविनाश जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ। अच्छा, क्या तकलीफ थी आपको? अविनाश जी, कंधे में रोलर करते समय कंधे में हल्का सा वो आगे सरक गया था, तो मुझे लगा फ्रैक्चर हो गया है। एक्सरे कराया, उसमें फ्रैक्चर नहीं आया था। अच्छा, तो वहाँ के डॉक्टरों ने को मैंने ये कब हुआ था? ये 14 जून के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। एक महीना वहाँ पे आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उसने वो एक्सरे कराया, तो एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं था। तो उन्होंने मेडिसिन दे दी और बोला कि एक महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल में देखा था। तो मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा वहाँ जाऊँगा तो आपसे मिलूंगा। ठीक है, तो फिर मैं मिला आपसे। फिर आपसे मिला, फिर मिलने के बाद में फिर हमने चेक किया। हाँ, चेक करते हमने क्या, फिर एक सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी आपने कराया? हाँ। उसके बाद उसमें जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से आपने ऑपरेट किया। तो इनके जो कंधे में हम रोटेटर कफ के स्नायु जो होते हैं, या शोल्डर को जो उठाने वाले मसल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स। तो 4 टेंडन्स होते हैं, है ना, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। 4 में से 2 टेंडन फटे थे, सबस्कैपुलरिस और सुप्रास्पाइनेटस, और वो फट के अंदर थोड़े से अराउंड अबाउट 1 सेंटीमीटर अंदर घुसा था। प्लस कंधे के जो रोटेटर कफ के ऊपर जो टिश्यूज होते हैं या जो फैट होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा सूजन और बहुत ज़्यादा लाल मांस बना हुआ था। ये बता रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है इनको, और इनकी हड्डी भी थोड़ी सी नीचे थी। तो हमने रोटेटर कफ या सुप्रास्पाइनेटस और सबस्कैपुलरिस के टेंडन को रिपेयर किया आर्थ्रोस्कोपी द्वारा, और जो ऊपर का मांस था जिसको हम बोलते सबअक्रोमियल डिकम्प्रेशन, उसको हमने सफाई की, और हड्डी जो थी जो उखड़ी हुई थी या जो बड़ी हुई थी उसको भी फ्लैट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जब टेंडन हील हो जाएगा या टेंडन पूरा चिपक जाएगा, उसको 2-3 महीने लगेंगे। उसके बाद में जब ये उठाएंगे तो एक तो वो जो सूजन थी वो कम हो गई है सफाई के बाद, और जो हड्डी भी बड़ी है जो इनके टैर करने की प्रोपेंसिटी रखती है, वो भी उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपका कल ही ऑपरेशन हुआ जी, तो ऑपरेशन के बाद आज पहला दिन है जी। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब ट्रीटमेंट के हिसाब से, हाउ आर यू फीलिंग? पेन, बाकी एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ों के बारे में, बिकॉज लोग, आपका डिसीजन बहुत ही फास्ट था बेसिकली। मैं एक्चुअली थोड़ा सा शॉक हो गया कि आप एक दिन पहले बोले और बोले मेरे को तो कल ही ऑपरेशन कराना है। यूजुअली पेशेंट्स ऐसे तैयारी के साथ नहीं आते, वो सोचते हैं कि भाई अभी थोड़े दिन देखते हैं, वेट करते हैं, बट आपका केस में सर्जरी तो रिक्वायर्ड ही थी। तो जो डिसीजन था वो बहुत फास्ट था कि भाई नेक्स्ट डे आपने ऑपरेशन भी करा लिया और आज अगला दिन है और आप फिर से कानपुर के लिए कल जाओगे जी। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब क्या चीज़ है कि आपके जैसे कोई पेशेंट हो जिसको शोल्डर की इश्यूज हो, तो उनको इग्नोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मेरे कानपुर में इस तरह के कोई पेशेंट होंगे तो मैं बोलूँगा कि आप जयपुर में सचिन जैन जी से मिलिए डॉक्टर। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरे आज पेन भी बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, बट ऑपरेशन बड़ा था आपका जी, ऑलमोस्ट आपके 3 घंटे लगे मुझे इसको सब करने में, और बहुत अच्छा, मतलब आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन के जो भी मांस फटा था उसको हमने बहुत अच्छे से चिपका दिया है। अब तो नेचर की बात है कि नेचर उसको कैसे हील करता है। हमारा तो काम बेसिकली कार्पेंट्री का है ना, कि जो आपके मांस फटे हैं लाइव बॉडी में हमने उसको वापस से चिपका के लगा दिया, एंड में तो बॉडी ही उसको ठीक करेगी। एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस केसेस में, कि टेंडन जब हील हो जाता है और अगर हमने एक्सरसाइज ठीक से नहीं करी या एक्सरसाइज में कुछ कमी रखी, तो कंधे का जाम होना या पेन का बरकरार रहना, ये बहुत होने के चांसेस रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो जो एक्सरसाइज अगर हम रेगुलरली करेंगे तो ये पेन धीरे धीरे करते करते 1 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर आपका 2 महीने में पूरा मूवमेंट आ जाएगा और फिर आप रूटीन में अपने 3 महीने में सारा कर सकते हो। तो थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू मैडम फॉर ट्रस्टिंग अस, एंड आई होप आप ठीक रहे, और कभी भी कोई भी इश्यू हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको हेल्प कर देंगे। थैंक यू, नमस्कार।